कश्मीर यूनिवर्सिटी की पेशकश। कश्मीर यूनिवर्सिटी रेडियो डाइजेस्ट। कश्मीर यूनिवर्सिटी रेडियो डाइजेस्ट के सुनने वालों को पेशकारों मेज़बान तारिक अब्दुल्ला खावर का खुलूस भरा सलाम। आज के शुमारे के मौजूआत: प्रोफेसर तलत अहमद कश्मीर यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर, प्रोफेसर नीलोफर खान यूनिवर्सिटी की पहली खातून रजिस्ट्रार, सहरोजा एनिमल साइंस कांग्रेस की इफ्तिताही तकरीब का जायजा और एस्थेटिक मोल्ड रिफ्लेक्शंस इन इस्लामिक थॉट एंड लिटरेचर के मौजू पर प्रोफेसर जी आर मलिक का तौसीही खुतबा। सामईन, पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने अपना ओहदा संभाल लिया। जुलाई के महीने में प्रोफेसर तलत अहमद को 5 वर्षों के लिए यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तैनात किया गया। रिवायती गार्ड ऑफ आनर से प्रोफेसर तलत अहमद का यूनिवर्सिटी पहुंचकर इस्तकबाल किया गया। अर्थ साइंसेज के मायनाज साइंसदान प्रोफेसर तलत अहमद इससे कबल साल 2011 से 2014 तक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। मई 2014 में उनकी तकर्री बतौर वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में हुई थी। प्रोफेसर तलत अहमद का शुमार मुल्क के मुमताज़ अर्थ साइंटिस्ट्स में किया जाता है। उन्हें कई कौमी और बैन अक्वामी एजाजात से नवाजा गया है। सन 1994 में उन्हें हुकूमत हिंद की तरफ से नेशनल मिनरल अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा प्रोफेसर तलत अहमद इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी न्यू दिल्ली, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस बेंगलोर, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस अलाहाबाद और जेसी बोस नेशनल फेलोशिप DST के फेलो रह चुके हैं। उनके तालीम के शोबे और इंतज़ामी अमूरात में उनकी ग्रांकदर खिदमात के लिए साल 2012 में उन्हें टाक जहनगिरी मेमोरियल अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2013 में उन्हें SM नकवी गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इसके अलावा साल 2014 में प्रोफेसर तलत को प्रिंस मुकर्रम जा एंडोमेंट गोल्ड मेडल अता किया गया। साल 2017 में प्रोफेसर तलत अहमद को 7वीं भारत मानव अधिकार सम्मान से भी नवाजा गया। साल 2017 में ही ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस की जानिब से प्रोफेसर तलत अहमद को एमिनेंट वाइस चांसलर के एजाज से नवाजा गया। तालीम तहकीक में वसी तजुर्बा रखने वाले प्रोफेसर तलत अहमद पिछली 3 दहाइयों से तहकीक के मैदान में गिरा कदर काम कर रहे हैं। उनके बहुत सारे तहकीकी मकाले मायारी बैन अक्वामी जरीदों में छप चुके हैं। प्रोफेसर तलत अहमद की बतौर वाइस चांसलर तकर्री को बहुत सारे हलकों ने खुश आइन करार दिया। रेडियो डाइजेस्ट की टीम प्रोफेसर तलत अहमद को मुबारकबाद पेश करती है। दरियासना एक और अहम पेशरफ्त के तहत यूनिवर्सिटी की मौजूदा डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल प्रोफेसर नीलोफर हसन खान को रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी मुकर्रर किया गया और इस तरह प्रोफेसर नीलोफर खान यूनिवर्सिटी की पहली खातून रजिस्ट्रार बन चुकी। इसके अलावा शोबे मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर की एडिटर कम रिसर्च असिस्टेंट मोहतरमा मुस्लिम जान को मीडिया कोऑर्डिनेटर के ओहदे पर तैनात किया गया और यूनिवर्सिटी के जॉइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर तनवीर अहमद शाह वाइस चांसलर के नए प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे। सामईन, पिछले हफ्ते शोबे जोलॉजी ने जोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के इश्तराक से सहरोजा एनिमल साइंस कांग्रेस का इनेकाद किया। सहरोजा कांग्रेस की इफ्तिताही तकरीब यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में मुनक़िद की गई। खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए सदर शोबे जोलॉजी प्रोफेसर फैयाज अहमद ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए रियासत और बीरून रियासत से मौजू की मुनासिबत से 300 एब्स्ट्रैक्ट मौसूल हुए थे। We have about 309 abstracts which have finally been screened for this very particular conference. And the people from 64 institutions all across the country, from Lucknow, from Aligarh, Jharkhand, Haryana, Marathwada, Shimla, Bihar, Roorkee, Bangalore, Indore, Bhopal, Uttarakhand, Nainital, Delhi, Chandigarh, Chhattisgarh and Goa. Sir, had we exerted a little more, we could have given it an international touch because we have one participant from Oman. But that it didn't click us to invite some more members that would have made it international.
इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर अशोक सक्सेना ने कहा कि एनिमल साइंस कांग्रेस का इनेकाद वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उन्होंने शुरका से कहा कि हमें साइंस को बनी नवा इंसान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स ऑफ मेडिकेशन इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया टू आवर सक्सेस इन लिविंग लॉन्गर हेल्थियर लाइफ विद द बेस्ट लीस्ट अमाउंट ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। Medical technological advances have produced many vaccines which have saved us from detrimental viruses, bacteria and infectious diseases that once affected us severely and even killed us. यूनिवर्सिटी के साबिक रजिस्ट्रार प्रोफेसर खुर्शीद अहमद भट्ट ने इस मौके पर कहा कि सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद से यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप को फरोग मिल रहा है। At least there should be a one conference or one workshop or one seminar every week in the university, and we are here to fund that. We need to decide to categorize or classify the conference and seminars, and we need to actually to decide what is the basic purpose. If the basic purpose is to provide only an opportunity to the young and budding scholars to learn from their seniors, or to get an opportunity to get exposed to this kind of an activity where they will have to do the research and make the presentation. Is mauke par Zoological Society of India ke president professor B.N. Pandey ne kaha ki kurai arz par janwaron ke wujood ke bagair zindagi namumkin hai. Animal aur aadmi ka sambandh itna hai, aapko kheti karna hai to bina animal ke nahi kaam chalega, aapko sawari ka upyog karna hai chahe bail gaadi ho chahe ghoda ho khachar ho animal haathi ho aap bina uske ja nahi sakte hain. Are aadmi to chhod dijiye, देवता का भी काम बिना एनिमल के वाहन के नहीं चल रहा है। हमारी गॉडेस दुर्गा, उनको सिंह की सवारी चाहिए। हमारे लॉर्ड शिवा, उनको नंदी के रूप में बैल की सवारी चाहिए। ये बहुत लंबी कहानी है, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एनिमल का काम तो बिना मानव के चल सकता है, लेकिन मानव का काम बिना एनिमल के नहीं चल सकता है। यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर खुर्शीद इकबाल अंद्राबी ने इस मौके पर कहा कि कोई भी इंसान परफेक्ट होने का दावा नहीं कर सकता। बिकॉज द नोशन ऑफ कंसिडरिंग एन इंडिविजुअल परफेक्ट इज रिडंडेंट। आई बेसिकली हैव सेड इट टाइम एंड अगेन दैट एट बेस्ट एन इंडिविजुअल इज स्पेशली एबल्ड। दैट्स व्हाई व्हेन ही मीट्स द अदर पर्सन ही गार्निशेस हिज थॉट प्रोसेस अ लिटिल बेटर। व्हेन ही मीट्स थ्री पीपल his idea becomes even more refined, and when he meets many people he starts changing his ideas, because when you start conversing with each other you start realizing that this individual is slightly more articulate, the other one has good memory, the other person has good way of presentation, the other person has good way of asking questions. So all these things actually help him understand slightly better, but in a way that does not hurt his ego. He moj kashiri. سامعین پچھلے دنوں شاہ ہمدان انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز نے دا استھیٹک مولڈ ریفلیکشنز ان اسلامک تھاٹ اینڈ لٹریچر کے موضوع پر ایک توسیعی خطبے کا اہتمام کیا۔ یونیورسٹی کے سابق ڈین آرٹس اور شعبہ انگریزی کے سابق سربراہ پروفیسر جی آر ملک نے توسیعی خطبہ پیش کیا۔ MMRC آڈیٹوریم میں منعقدہ اس توسیعی خطبے کے آغاز میں شعبے کے سربراہ پروفیسر عبدالرشید بٹ نے معزز مہمان کا تعارف پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ موصوف کا اسلامی دنیا اور مغربی سماج کے بارے میں وسیع مطالعہ ہے۔ ریلائنس آن اتھینٹک سورسز آف دا سبجیکٹ اینڈ کریٹیکل ٹریٹمنٹ آف دیم۔ ان مائی ہمبل وے آئی تھنک ان دا کنٹمپرری ٹائمز دا ٹرینڈ آف پروفیسر ملک اسکالرشپ اینڈ لٹری اپروچ is represented by Abdul Wahid Pakistan, Khalifa Abdul Hakim Pakistan, Asloob Ahmad Ansari India, Abdul Hambari India, Mustansan Mir USA and Suhail Umar Pakistan. However, in some ways Professor Malik's scholarship is more profound and insightful. پروفیسر جی آر ملک نے موضوع کی مناسبت سے ایک بصیرت افروز خطبہ پیش کیا۔ اپنے خطبے کے دوران پروفیسر ملک نے اسلام میں جمالیات اور فنون لطیفہ کی اہمیت بیان کی۔ The Prophet himself, the only unquestionably authentic interpreter of the Quran. On the one hand, he described the famous Jahili poet, Imraul Qais, as a prime poet, but one who will lead the poets of a particular category to hell.
drawing the subtle distinction between the aesthetic and moral dimensions of poetry. The poetry of Imre Ulkayas and poets of his category was divorced from truth and limited to apparent charm, only beauty. For his own poet, Hassan bin Sabit, he had a special pulpit built in the mosque, Masjidun Nabawi, and asked him to defend him from the enemies, telling him, say, this is the Prophet telling Hassan bin Sabit, Kul, for Jibril Ummak, say, and Gabriel is with you. This recalls Iqbal's verse, wo sher ki paigan hayate abadi hai, ya nagmay Jibril hai, ya suri sarafil. یونیورسٹی کے ڈین ریسرچ پروفیسر ظفر احمد ریشی نے کہا کہ اسلام جس انداز میں جمالیات اور فنون لطیفہ کو فروغ دینے کی وکالت کر رہا ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کے لیکچرز نئی راہوں کو تلاش کرنے میں کارآمد ثابت ہوں گے۔ Prior to his lecture, I was of this opinion that talking about Hussein and Jamal in Islam is blasphemy. And at least I am relieved of that, but it is not. I mean, you can, I mean, there is a space basically for discussing Hussein and Jamal in an Islamic context as well. He started his lecture with something that he said that beauty has three facets, right? One is order, the second one is balance, and then the third one is harmony. Now, apart from these facets, the beauty may have other facets as well, or these strike my mind, that it could have a very metaphysical dimension as well. They say that beauty lies in the eyes of beholder. I mean, you are not able to explain anything, but you still think that it is beautiful. It is not beautiful to others, but it is beautiful to you. This is a metaphysical, say, dimension of beauty. Then I believe there is a mathematician sitting around us. I believe that there is a mathematical, geometrical dimension also to be. Kashmir University ke sabiq registrar Professor Khurshid Ahmed Bhatt ne is mauke par Professor Ghulam Rasool Malik ko ilm o adab ka khazana qarar dete hue kaha ki unke is basirat afroz khutbe se sabhi hazirin mehzooz hue. This Quran has given us entire, you know, guideline how to live this life in a beautiful manner so that hereafter we will have a very comfortable life, will be in the Jannah. So that is why we all need to ponder on this very important. Hum Quran bilkul aajkal padhte hain, samajhte hain, sab kuch hai. Magar hamara jo conduct hai, agar aap dekhenge, aaj mere tajir ko aap dekh lijiye, wo tajir, how he is conducting his business. Is he conducting the business truly in accordance with the Islamic guidelines which has been prescribed for him to do the trading? Or to an, you know, an employee in an office, because there is a complete guideline for an employee how you have to serve the people while sitting on the chair. And this is the one question, perhaps this is the most important question, we all need to make an introspection. تقریب کی نظامت کے فرائض شعبے کے استاد پروفیسر منظور احمد بٹ نے انجام دیے. ہی موج کشیری. اس کے ساتھ ہی آج کے شمارے کا وقت اختتام پذیر ہوا. اجازت لینے سے قبل اہل دانش کا قول، جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے بلکہ فاصلے ہوتے ہیں. دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں. پیشکاروں میزبان طارق عبداللہ خاور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. ہی موج کشیری. سامعین، آپ کو ہمارا آج کا شمارہ کیسا لگا؟ ہمیں اپنی آرا اور تجاویز سے نوازتے رہیے. ہمارا پتہ ہے کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ، معرفت ڈائریکٹر، EMMRC، یونیورسٹی آف کشمیر، سری نگر. پن نمبر 190006. اس کے علاوہ آپ اپنی تجاویز ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. ہمارا ای میل ID ہے KU Radio Digest @gmail.com.